मैं उद्धव जी का, उनके पूरे परिवार का और उनकी पार्टी का अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से, हम जो लोग आए हैं सबकी तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इतना उन्होंने अब हमें अपने परिवार का हिस्सा बना लिया है, तो जैसा उन्होंने कहा मैं भी उन्हें कहना चाहता हूँ कि हम भी रिश्ता निभाने वालों में हैं। आपके साथ रिश्ता बनाया है तो पूरी ज़िंदगी आपके साथ रिश्ता निभाएंगे, दोस्ती का रिश्ता। थैंक यू सो मच फॉर रिसीविंग अस सो वार्मली। जैसा आप सब लोग जानते हैं कि दिल्ली के लोगों ने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी अपने अधिकारों के लिए। जैसे ही दिल्ली में हमारी सरकार बनी 2015 में, हमारी सरकार बनते ही मोदी सरकार ने हमारी सारी शक्तियां छीन ली एक छोटा सा नोटिफिकेशन पारित करके। फरवरी 2015 में सरकार बनी और मई के अंदर 3 महीने में नोटिफिकेशन जारी करके हमारी सारी शक्तियां छीन ली। 8 साल दिल्ली के लोगों ने लड़ाई लड़ी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। 8 साल लड़ाई लड़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला दिया। जिस दिन फैसला आया 8 साल की लड़ाई के बाद, उसके 8 दिन के अंदर केंद्र सरकार ने अध्यादेश जारी करके वो सारी शक्तियां वापस छीन ली। तो जनतंत्र के अंदर जनता की चलनी चाहिए कि गवर्नर की चलनी चाहिए, जनता की चलनी चाहिए कि केंद्र की चलनी चाहिए? जनतंत्र में तो चुनी हुई सरकार के पास पावर होनी चाहिए ताकि जनता के, जो जनता मांगे वो काम कर सके, जनता के प्रति जवाब दें, तो चुनी हुई सरकार होती है। लेकिन उन्होंने सारी शक्तियां छीन ली। इसका मतलब ये साफ साफ ये लोग ये बोल रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते। पिछले जिस तरह का इनका रवैया इन लोगों का, हमने पिछले कुछ महीनों में ये भी देखा कैसे इन लोगों ने, इनके मंत्रियों ने, इनके नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट के दूसरे जजों को किस तरह से ये लोग गाली देते हैं, गंदी गंदी गालियां देते हैं। जिस तरह से इनके लोग जजों के खिलाफ और जुडिशरी के खिलाफ सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाते हैं, इनके लोग जजेस को, रिटायर्ड जजेस को एंटी नेशनल बोलते हैं, तो इनका जुडिशरी पे इनका कोई वो नहीं है। अब इन्होंने एक मैसेज दे दिया कि सुप्रीम कोर्ट जो मर्जी फैसला दे हम नहीं मानते, हम ऑर्डिनेंस ला के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पलट देंगे। ऐसे हमारा कैसे चलेगा, ऐसे तो हमारा देश नहीं चल सकता। और ये जनतंत्र, सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानते और ये जनतंत्र को भी नहीं मानते। शिवसेना तो सबसे ज्यादा भुक्तभोगी है, किस तरह से भारी बहुमत से चुनी हुई, जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को इन्होंने गलत तरीके से सीबीआई से, ईडी से, पैसे से इनके एमएलएज को तोड़ के इनकी सरकार गिरा दी। तो अब इनके 3 तरीके हैं बीजेपी के, 3 तरीकों से अगर कोई बीजेपी की सरकार नहीं बनाएगा, किसी राज्य में नहीं बनेगी, तो या तो वो एमएलए खरीद के उसकी सरकार गिरा देंगे, या एमएलए सीबीआई और ईडी का डर दिखा के एमएलए तोड़ के उनकी सरकार गिरा देंगे, और या फिर ऑर्डिनेंस ला के उनकी सारी शक्तियां छीन लेंगे। दिल्ली में यही हुआ, इन्होंने ऑपरेशन लोटस किया, 2-3 बार ऑपरेशन लोटस किया, हमारे एमएलए खरीदने की, तोड़ने की कोशिश की, हमारा एक भी एमएलए नहीं बिका। जब इन्होंने देखा कि इनकी सरकार टूट नहीं रही, इनकी सरकार गिर नहीं रही, तो अभी ऑर्डिनेंस ला के इन लोगों ने हमारी सारी शक्तियां छीन ली। तो इन लोगों को बहुत ज़्यादा अहंकार हो गया है, और जब किसी आदमी को बहुत अहंकार हो जाता है तो बहुत स्वार्थी हो जाता है वो आदमी। ऐसा व्यक्ति देश नहीं चला सकता जो इतने अहंकार और इतने स्वार्थ के अंदर जीता है, वो फिर देश के बारे में नहीं सोचता। वो केवल ये ऑर्डिनेंस क्या है, ये ऑर्डिनेंस ये है कि सुप्रीम कोर्ट की हिम्मत कैसे हो गई हमारे खिलाफ आदेश देने की, हम देखते हैं। तो ये अहंकार का नतीजा है, अहंकार के अंदर जब आदमी आ जाता है तो फिर कुछ नहीं बचता है। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ शिवसेना का।